ममता बनर्जी असल में मुमताज बानो है, इसलिए उनको जय श्री राम के नाम से चिड़ मच रही है, इसलिए उसके नाम से उनको चिड़ मच रही है। आज से अगर हम 10 साल पहले भी जाएं तो देखते हैं बंगाल का मुख्य त्यौहार क्या होता था, दुर्गा पूजा। आज क्या है? मुहर्रम। ममता बनर्जी बोलती है कि मैं दुर्गा पूजा में स्पीकर नहीं बजने दूंगी। मतलब ये किस तरह के आप एक संवैधानिक देश है। लेकिन अगर ममता बनर्जी बंगाल के बाहर निकली और हिंदुओं ने इतनी आवाज में जय श्री राम लगाया ना, तो उनके कान के पर्दों के लिए उनको एम्स में भर्ती होना पड़ेगा। मैं अजहर हूँ, आप राम है, मुझे नहीं पता, हमारी लड़ाई हो गई। लेकिन विपक्ष इसको क्या करेगा? आप मुझ पे भारी पड़ गए तो विपक्ष क्या करेगा? राम अजहर पे भारी पड़ गया, ये है देश में असहिष्णुता। अच्छा सर, बंगाल में इस समय जय श्री राम बोलने पे कहा जाता है खाल उधेड़ ली जाएगी, ये किस हद तक सही है सर लोकतंत्र के? ये लोकतंत्र नहीं है, ये तालिबानी शासक है जो ममता बनर्जी के रूप में बंगाल में प्रस्तुत की जा रही है। वामपंथी भी उसमें शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस भी उसमें शामिल हो चुकी है। इनको जय श्री राम का मतलब नहीं है कि हम जब सुबह उठते हैं तो अपने माता पिता से चरण स्पर्श करने के साथ साथ जय श्री राम बोलते हैं। ममता बनर्जी को पारिवारिक संस्कृति, भारत की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। ममता बनर्जी असल में मुमताज बानो है, इसलिए उनको जय श्री राम के नाम से चिड़ मच रही है, इसलिए उसके नाम से उनको चिड़ मच रही है। जय श्री राम एक नारा नहीं है, जय श्री राम दिल है, दिल से निकली हुई आवाज होती है। और ममता बनर्जी को इससे तकलीफ है तो सिर्फ उसका कारण यही है कि ममता बनर्जी असल में ममता बानो है जो बांग्लादेश से भारत में आ गई और बंगाल पे शासन कर रही है। झूठा झूठ मूठ के गरीब तबके के नाम पे उन्होंने सत्ता हासिल करी है। लेकिन अब उन्होंने जो इसीलिए एनआरसी से घबरा रहे क्या सर कि उनका नंबर है? हकीकत यही है कि एनआरसी के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री क्या पार्षद भी नहीं चुनी जाएंगी इस देश की? मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, एक पार्षद तक नहीं चुनी जाएंगी ममता बनर्जी। तो सर ममता बनर्जी की सोच जो है वो चाइना से लग के ना तो कम्युनिस्ट होती जा रही है। आज से अगर हम 10 साल पहले भी जाएं तो देखते हैं बंगाल का मुख्य त्यौहार क्या होता था, दुर्गा पूजा। आज क्या है? मुहर्रम। ममता बनर्जी बोलती है कि मैं दुर्गा पूजा में स्पीकर नहीं बजने दूंगी। मतलब ये किस तरह के आप एक संवैधानिक देश है, आप एक पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री को घुसने से रोक देते हो, आप अमित शाह को घुसने से रोक देते हो, आप रोहिंग्याओं को नहीं रोक पाते हो। अब मतलब वो ना इस एक बंगाल को एक ऐसी प्रेसिडेंसी बना रही है कि कश्मीर की तरह कि मैं इसको पहले बढ़ाऊं फिर धारा 370 लागू हो। जो आपने ये बोला वो कह रही है बंगाल को मैं गुजरात नहीं बनने दूंगी, तो सर बंगाल गुजरात बन भी नहीं सकता कभी, क्योंकि जब टाटा का प्लांट लगने वाला था वहां पे, अगर वो इसकी बात करती है कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, टाटा ने आज कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है इस देश में? वो उन्होंने आसनसोल से भगाया, उसको मोदी ने एक्सेप्ट किया। आज आप देख सकते हो गुजरात एक वेल डेवलप्ड स्टेट है, जबकि बंगाल आज अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, आज अपना वजूद खो चुका है बंगाल देखा जाए तो। मेरा एक ममता बनर्जी से प्रश्न है कि वो बंगाल में सब कुछ कर देती है हिंदुओं के साथ, लेकिन अगर ममता बनर्जी बंगाल के बाहर निकली और हिंदुओं ने इतनी आवाज में जय श्री राम लगाया ना, तो उनके कान के पर्दों के लिए उनको एम्स में भर्ती होना पड़ेगा। बंगाल से बाहर निकले और दिखाएंगे हम लोग क्या है। एक आप अपने आपकी पुलिस, आपका डंडा, गरीबों पे अत्याचार कर रहे हो, आपको आप गरीबी हटा नहीं रहे हो, आप उसको जय श्री राम को आप खुद कम्युनल बना रहे हो। जय श्री राम कम्युनल शब्द नहीं है, जय श्री राम आस्था का शब्द है, जय श्री राम दिल से निकली आवाज है। ममता बनर्जी उस शब्द को कम्युनल खुद बना रही है। क्या ममता बनर्जी वाकई में मुमताज बानो? इसका उनको स्पष्ट उदाहरण देना। लोकतंत्र में बोलने की आजादी है लोगों को, क्या सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना ही लोकतंत्र में आजादी मानी जाएगी क्या? ये सवाल आप सबसे पहले जाके राहुल गांधी जी से पूछिए। सबसे पहले सवाल जिनको असहिष्णु भारत लिखता था इस देश में, उनको बंगाल में ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहला सवाल कांग्रेस की ओर से यही है कि उनको क्या दिख रहा है बंगाल में? सहिष्णुता दिख रही है ममता बनर्जी के अंदर, तो उनकी गोदी में जाके बैठ जाए राहुल गांधी फिर? नहीं, मिनट मिनट में लोकतंत्र खतरे में आ जाता है सर, मिनट मिनट में कुछ छोटी सी छोटी मोटी घटना हो जाए। अभी गुड़गांव में हुआ था, उस पर लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, मगर कोई वो बात थी नहीं। उस लड़के ने झूठ बोला था जो सीसी, हां लेकिन आप ये देखिए छोटी से छोटी घटना आपस में लड़ाई हो जाए उसमें भी वो कम्युनल ढूंढ रहे थे कि हिंदू मुस्लिम। मैं इसका आपको एक बहुत स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं। वो घटना हुई, घटना होने के आधे घंटे के अंदर अंदर वो लड़का एनडीटीवी में बैठा हुआ था, ठीक है? मतलब घटना पूरी साजिश आधे घंटे में। आप बताइए कि ये सब कुछ, ये सारा चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को पता है सबको कि मोदी आने वाली है, उनको बदनाम करने के लिए साजिश थी। लेकिन हाँ, अगर किसी मुस्लिम को मारना गलत है, छोटे मोटी चीज होती है इसको कम्युनल बनाया जाता है, इसको हिंदू और मुस्लिम के कम्युनल हम नहीं बनाते हैं, कम्युनल वो लोग बताते हैं। क्योंकि अगर एक देखिए, आज आपकी और मेरी लड़ाई हुई है रोड पे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, रोड पे मेरी आपकी लड़ाई हुई है, मैं अजहर हूँ, आप राम है, मुझे नहीं पता, हमारी लड़ाई हो गई।
लेकिन विपक्ष इसको क्या करेगा, आप मुझ पर भारी पड़ गए तो विपक्ष क्या करेगा, राम अजहर पे भारी पड़ गया, ये है देश में असहिष्णुता। अरे अपन दोनों को ही नहीं पता कि तुम कौन से मजहब से हो, मैं कौन से मजहब से हूँ, हम आपस में लड़ गए भाई, ठीक है। मारने से पहले धर्म पूछते हैं क्या विपक्ष की नजरों में? राहुल गांधी रोटी खाते वक्त भी पूछते हैं भाई, राम ने बनाई है अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने बनाएगा तो मैं खाऊंगा। ये राहुल गांधी के शब्द, मतलब उसकी दिमाग, उसकी हरकतों ने राम, उसकी हरकतों ने कांग्रेस को इतना बर्बाद कर दिया है। जब तक ये लोग हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहेंगे, इस देश में ये बर्बाद होते रहेंगे विपक्ष। और ये 2019 का चुनाव ये इसी का उदाहरण है। राहुल गांधी से तो इस पे ममता बनर्जी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ममता बनर्जी से मेरा एक ही संदेश है, जय श्री राम बोलिए, अयोध्या आइए, थोड़ी अक्कल जरूर आएगी, और नहीं आती तो हम लोगों के पास जरूर आइए, हम बताएंगे श्री राम पर के। हम पे बहुत से साधन है अक्ल देने के।